चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जमीन जाली सारी 30 बीघा खेत आए, 30 मतलब ऐसा बच रहा होगा, 10 बीघा 20 तो जा लिया। सरकार तो कुछ भी कर सके, सरकार तो बांध भी बना सकती है चारों तरफ अगर गन्ना पानी घुसे। नुकसान कितना है आसपास? करोड़ों का फालतू नुकसान है जी। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में है और जिला शामली का ये चौसाना का क्षेत्र है जहाँ पर पिछले बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थितियाँ हो गई है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से यहाँ के खेतों में पूरे खेत जो है वो बाढ़ में बह गए हैं। हमारे साथ यहाँ जिनके ये खेत हैं, यहाँ के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना नुकसान उनका इस बाढ़ को लेकर हुआ है और प्रशासन और शासन से क्या मदद अभी तक लोगों तक पहुँची है। तो हम लोग बातचीत करेंगे, लोगों से पता करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मोहम्मद आमिर। आमिर भाई, कब से स्थिति बनी हुई है यहाँ? 8 दिन हो ले जी मामला चल रहा। और कितना नुकसान हुआ है फसल का? फसल तो हुई रही, जमीन जाली सारी 30 बीघा खेत आए, 30 मतलब ऐसा बच रहा होगा, 10 बीघा 20 तो जा लिया। अरे इसकी भी कोई उम्मीद नहीं, अभी चल ही रहा, देखो लग रहा सीधा नाको सी में। आप जब से देख रहे हो 10 फेरी गिर लिया होगा आपके आगे भी, जब भी गिरा कम से कम 2-3 फुट गिरा एक फेरी में। कितना नुकसान है आपको? कम से कम हमारा लगा लो जी कम से कम 60 लाख रुपये का नुकसान फसल सुधा। और जमीन तो जाए लिखा, अब तक अब लिख लेगा, लिख लेना लिख ले खत्म तो मामला। घर की परिवार की स्थिति कैसी है अभी? अजी तो झेल लेंगे, हम तो झेलते आ रहे सदियों से, हमारे बाबा दादा झेल लेते झेल लेते हैं, हम भी झेल लेंगे। लेकिन पहले कभी इतना बड़ा नुकसान हुआ? पहले कभी नहीं हुआ जी इतना बड़ा। मुस्लिम भाई, कितना नुकसान है आपका? मेरा नुकसान है लगभग 15 बीघे का, यही हमारा ही है, ये जो यहीं खड़ा है। कितना कट गया ये कभी? 10 बीघे चला गया लगभग। नुकसान कितना है आसपास? करोड़ों का फालतू नुकसान है जी। तो क्या लग रहा, कैसी घर परिवार की स्थिति कैसी होगी इतने नुकसान में? कैसे चल रहा है? चले में तो झेल रहे, दूर से झेलते आ रहे, सुनता ही नहीं किसी। पहले कभी ऐसा इतनी बड़ा नुकसान हुआ? नहीं, हमारे उसमें नहीं हुआ कभी। जी क्या नाम? साकिर अली। साकिर भाई, बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है इस क्षेत्र में अभी तक? अजी तो काफ़ी नुकसान है, बस क्या बताऊँ, अनुमान भी लगा जा सकता कितना नुकसान है जी। बहुत बड़ा नुकसान है जी। हमारे तो जी कई साल पहले चले गए थे जी, वो टावर जो खड़ा बीच में जी, वो हमारे खेतों में खड़ा जी। अच्छा। 2013 में जब बाढ़ आई थी, वो हमारे जब भी चले गए थे खेत जी, 40 किलो हैं लगभग। नुकसान है इतना बड़ा हुआ था? नहीं जी, इतना बड़ा नहीं था, काफ़ी था फिर भी, लेकिन आपका ज़्यादा बड़ा नुकसान है लोगों का, बहुत बड़ा नुकसान है जी। क्या हालत है किसानों की? क्या हालत है भाई जी किसानों की? क्या पूछो जी, बोलेंगे दुखरे दिल बेचारों के, क्या कर सकेंगे जी बताओ जी। प्रशासन क्या कर रही है जी, दिख रही है आपको ये थोड़ी, क्या हो इनसे, कुछ भी नहीं होता। कोई आया मिलने आया शासन प्रशासन से? हाँ जी, इन्हें तो गाड़ी आ रही है भी, देख के चले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ी बहुत ही जो है इन तक हल्का फुल्का है जी, इन तक जो, लेकिन जो समाधान होना चाहता वो तो नहीं हो रहा। नुकसान जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है जी। परसों में आया था, परसों ये जो है ये खेत माँ से मेरे सामने की बात है परसों के, और एक ठोकर थी वो जो कुछ गाड़ी खड़ी थी, लेकिन परसों से आज तक देख लो कम से कम 20 बीघे खेत ही जा लिया अपने में जी। जीरी खड़ी है, गन्ना खड़ा, लोगों का काफ़ी बड़ा नुकसान है जी बस। तो जैसे आप कह रहे हैं अधिकारी आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी मुआवजे की कोई किसानों कोई, को किसी तरह को कोई वायदा नहीं किया गया। जैसे बारिश तो हर साल आती है, तो क्या पहले से ये इंतजाम किए गए हैं भाई बारिश होगी बाढ़ आ सकती है? जो था बस पहले ही था, काफ़ी पुराने ही, उसके बाद कोई नहीं हुआ। तो उसके बाद तो खनन लगी, बस खनन की वजह से नुकसान है, तो इस साइड आ गई है। पानी पट्टी में मिल जाता है, नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन जो ये काट कर रही है जमीन, इससे ज़्यादा नुकसान है। सारे जमीन जो है पानी में गिर गई, इसकी रेत बनेगा बस, कोई पैदावार नहीं होगी, क्या होगी, पानी चलेगा, इब सीधे जमना इधर होगी, उधर छोड़ दिया भाई, उधर प्लेज प्लूज लगी, 1000 रुपये चले गए ठेके पे, क्या है वो बात नहीं रही, मतलब जो नहीं चाहता। जैसे पानी कम होगा या ये सूखेगा, उसके बाद कुछ हाथ लगेगा किसानों को? कुछ नहीं लगा आज तक, नहीं लगा जी, अब क्या लगेगा। हमारे 40 किलो वहाँ पड़े जी, मैं देखो सब क्या नहीं होता 40 किलो में, सब कुछ हुआ जी, लेकिन कुछ नहीं आया बस। रेत बना दे बस अधिकारी, रेत कटवा पैसे ले लेके बेच रेत यहाँ कटान का कारण कारण तकड़ा कारण सब तकड़ा कराने जी। ये सारा जंगल गिरा है खदान के वजह से, तो पानी मार रहा जी, तो बहुत कम पानी हो रहा नहीं, 3 दिन पहले जी बहुत तेज स्पीड थी पानी, डर लगा देख के, ये सारा जब बस गांव में घुसेगा पानी। लेकिन ये स्थिति सुधरेगी कैसे आपके हिसाब से, अगर हर साल ऐसा बरसात में? अगर ऐसा बरसात हो रहा साल तो गांव में डूब जाएंगे सब, पब्लिक मरते मारे आगे जाएगा जी, अगर समाधान नहीं हुआ तो गांव में भी जा सकता है, जा सकता है, अगर जो संविधान होगा तो जाना का नहीं, अगर संविधान नहीं हुआ तो जाएगा।
जैसे अभी खेती भाई खेती बर्बाद हो गई, कुछ है नहीं, तो लोगों का क्या स्थिति है गांव में, कैसे लोग रह रहे हैं, किस तरह रहना पड़ा, मजबूरी है, प्राकृतिक क्या कह सके जी। खेती पक भी नहीं, जो काट लग अच्छी खेती करी क्या करे, इसके देश यहाँ खड़ी ऐसे पानी में गिरेगी, कोई फायदा नहीं है इनका, कुछ नहीं होता जी, 5-7-10 मिनट का रुकावट है और कुछ नहीं होता। लेकिन जो होनी चाहे वो नहीं है, सरकार तो कुछ भी कर सके, सरकार तो बांध भी बना सकती है चारों तरफ अगर अपना गन्ना पानी घुसे, लेकिन सरकार वो कहाँ किसी की फिक्र है, सरकार तो अपनी इस पर बल नहीं पड़ी है, लोगों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी बड़ा नुकसान है। चलिए, हम चौसाना क्षेत्र में थे, जिला शामली के, हमने यहाँ किसानों से बात की जिनके खेत बाढ़ में बह गए हैं, जिनकी फसल बाढ़ में बह गई है, उनसे जानने की कोशिश की कि किसानों को किस तरह का नुकसान हुआ है और उसके लिए कोई मदद दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। किसानों का कहना है कि पिछले 6 से 7 दिनों में कम से कम हजारों बीघा फसल जो थी वो बाढ़ में बह गई है, किसानों को भारी नुकसान है। तो जुड़े रहे सीसीए से, उत्तर प्रदेश तक आपको खबरें आती रहेगी, धन्यवाद। ठीक है, चलिए भाई, धन्यवाद।